वेलकम टू कॉमर्स भक्त, मैं हूँ अभिषेक झा और अभी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बिजॉय गौर ज्योतिष राय कॉलेज, जो कि कोलकाता का एक एवरेज कॉलेज माना जाता है, अच्छा कॉलेज माना जाता है। अगर आप लोग बीकॉम या बीए या बीएससी को एक सेकेंडरी कोर्स की तरह देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग बिजॉय गौर कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एक बी प्लस का ग्रेड इनको मिलता है, ये कॉलेज को बी प्लस का ग्रेड मिलता है एनएएसी की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, बिजॉय गौर ज्योतिष राय कॉलेज इज ए कॉलेज इन कोलकाता, इट ऑफर्स साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कोर्सेज, मतलब कि सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कोर्सेज। एड्रेस की तरफ ध्यान दीजिए तो एड्रेस है यहाँ पे जादवपुर सेंट्रल रोड बिजॉय गौर, जादवपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल 732। तो ये है इसका पूरा का पूरा एड्रेस। और अब हम लोग बढ़ेंगे कोर्सेज की तरफ। कोर्सेज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर ये वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस ऑफ कोलकाता का प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा है, बहुत सारे कलकत्ता के कॉलेजेस को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसको विजिट कीजिए, प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। चलिए और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ और ऑफकोर्स फ्यूचर में लर्निंग वीडियो एंड एजुकेशनल वीडियो भी इसी चैनल पर आएगी, इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग थोड़ा फोटोज़ देख लीजिए अपने कॉलेजेस का। ये है आपका कॉलेज, ये आपका कॉलेज रहेगा पूरा बिजॉय गौर ज्योतिष राय कॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोर्सेज के ऊपर, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉलेज का वेबसाइट पे ना कोर्सेज के बारे में नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मेरे को दूसरे वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ा। चलिए यहाँ पे बीए ऑनर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बीए ऑनर्स आप लोग यहाँ पे बंगाली ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, एजुकेशन ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, फिलोसफी ऑनर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म ऑनर्स कर सकते हैं। बीए जनरल का अगर बात करें तो बीए जनरल आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन में आप लोग कर सकते हैं। अब अगर हम बीकॉम का बारे में बात करें तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आप लोगों को सिर्फ अकाउंटेंसी एंड फिनेंस का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लोगों को 12th पास होना ज़रूरी है और एक एवरेज मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आपका हो जाता है इस कॉलेज में, ठीक है। आप लोगों को एडमिशन, ऑफकोर्स एडमिशन का तो प्रोसीड्योर आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, पहले सुनो मेरा बात को अच्छे से सुनो, एंड तक देखो वीडियो को, उसके बाद जाना। सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप लोग का मेरिट लिस्ट आता है, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो ही आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग उस कॉलेज में जाके विजिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को और कॉलेज आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर देगा, यही एक प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी बीएससी ऑनर्स अगर आप लोग कर रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स में आप लोग देखिए कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, प्योर ये बायोलॉजी, ये सब सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। और 2023-2024 का ऑफकोर्स चालू होने वाला है। एमएससी करने के लिए आप लोगों को बीएससी डिग्री चाहिए है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आप लोगों का एमएससी होता है, ठीक है, एमएससी का करने दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एमएससी भी होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आइए अब हम लोग फीस के बारे में बात करेंगे कि सर फीस कितना लगने वाला है इस कॉलेज में, ठीक है। चलिए आइए, देखिए अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका 5000 लगभग फीस लगेगा पर ईयर, हर साल आपका 5000 फीस लगेगा लगभग, ठीक है। बीए करना चाहते हैं तो बीए करने में यहाँ पे आपका 2 से 3000 तक का खर्चा है हर साल, यहाँ पे ये 2.5 से 3000 तक का खर्चा है अगर बीए करने वाले हैं तो, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बीकॉम करने वाले हैं तो यहाँ पे भी 2.5 से 3000 का खर्चा है हर साल। बीकॉम ऑनर्स करने वाले हैं या बीकॉम करने वाले हैं, एक ही बात है कि 2.5 से 3000 का खर्चा है हर साल, ठीक है। इसके बाद देखिए बीए और एमसी करने वाले हैं, बीए जीएमसी करने वाले हैं तो यहाँ पे आपका
वो भी 2,500 से 3,000 का खर्चा है। ठीक है, चलिए हमने तो फीस के बारे में अब चर्चा कर ली है, अब हम लोग कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। कट ऑफ के बारे में देखिए ऐसे ही हम लोग जान लेते हैं, बिजॉय गौर कॉलेज एक एवरेज कॉलेज है, यहाँ पे आप लोग अगर 60% इनफैक्ट 55% स्कोर करते हैं तभी भी आप लोगों का चांस मिल जाता है, कोई ऐसा हर्डल्स नहीं फेस करना पड़ता ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो जिसका भी कम मार्क्स आया हुआ है वो बिजॉय गौर ज्योतिष राय कॉलेज में आप लोग जा सकते हैं, 50 से 60% तक में आप लोगों का एडमिशन आराम से हो जाता है बिजॉय गौर कॉलेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभी कि आप लोगों को अगर कांटेक्ट करना है बिजॉय गौर कॉलेज को, कुछ क्वेरी वेरी रहता है या कोई भी इमरजेंसी रहता है, कुछ कांटेक्ट करना है तो इस सब फ़ोन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर दिया हुआ है 0332412 4082 और वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिएगा, विजिट करके देखिएगा अपने से www.vijaygaurcollege.com। यहाँ पे ईमेल भी दिया हुआ है, ईमेल करके भी आप लोग क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। प्लेसमेंट का बात करें तो प्लेसमेंट इस कॉलेज में प्लेसमेंट आप लोगों को मिलता है लेकिन आपके स्किल्स के ऊपर मिलता है। ठीक है, आप लोगों का जितना भी स्किल्स रहेगा उस स्किल के ऊपर आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिजॉय गौर कॉलेज को भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने और भी कॉलेजेस का रिव्यू नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ देखिए, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।